क्या आपका कैनन का प्रिंटर नया है या आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड रीसेट किया हो या फिर नया वाईफाई राउटर लिया हो या नया इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हो। इन सभी सिचुएशन में आपको कैनन प्रिंटर को कनेक्ट या रिकनेक्ट करना होता है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ अदिति SNG प्रोडक्ट रिव्यू से। आज मैं आपसे एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट करने का, जिससे उस वाईफाई से जुड़े हुए सारे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप प्रिंटर का आप यूज़ कर सकेंगे फॉर स्कैन, फोटोकॉपी और प्रिंट करने के लिए। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ऐप खोलनी होगी। वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कैनन प्रिंट इंकजेट सेल्फी। इस ऐप को इंस्टॉल करना है। मेरे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ऐप, इसलिए मुझे ये ओपन करने का ऑप्शन ही दिखा रहा है। बट अगर आपके मोबाइल में ये ऐप नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में मैंने ये ऐप उसी समय डाउनलोड कर ली थी जब हमने हमारा ये प्रिंटर खरीदा था, और उसी समय हमने अपने प्रिंटर को रजिस्टर भी किया हुआ था इस ऐप में, जैसे ये दिखा रहा है अभी। अगर आप पहली बार प्रिंटर वाईफाई से कनेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको प्रिंटर रजिस्टर का ऑप्शन शो होगा। मैंने कल ही वाईफाई का पासवर्ड रीसेट किया है, इसलिए मेरा प्रिंटर रजिस्टर्ड भी है, लेकिन तब भी मुझे उसे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम बॉटम में दिए गए प्रिंटर के आइकन को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे और वहाँ पे एक बटन है ऊपर add/switch का, इस ऑप्शन को प्रेस करना होगा। इसके बाद जो स्क्रीन आएगी उसमें पहले से आपका रजिस्टर्ड प्रिंटर शो करेगा, जिसके सामने एक छोटा सा क्रॉस है, उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा उस प्रिंटर को हटाने के लिए। जब आप उस क्रॉस को प्रेस करेंगे तो एक मैसेज पॉपअप होगा कि दिस प्रिंटर विल बी डिलीटेड। इसमें आपको येस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगली स्क्रीन में बॉटम में एक बटन होगा रजिस्टर प्रिंटर का, जिसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो स्क्रीन आएगी उसमें अगर आपके प्रिंटर का नाम है तो उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद ऐप प्रिंटर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, जिसमें कुछ टाइम लग सकता है। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप पिछले वाली स्क्रीन में वापस आ जाएंगे। अगर ऐप आपके प्रिंटर से कनेक्ट नहीं कर पाई है तो बॉटम में एक ऑप्शन होता है इफ़ प्रिंटर कैन नॉट बी फाउंड, इस ऑप्शन को प्रेस कीजिए। अगली स्क्रीन में ऑटो कनेक्शन ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अगली स्क्रीन में लिखा होगा डज योर प्रिंटर हैज अ बटन लाइक दिस, इसमें येस वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में प्रिंटर को ऑन करें। कंट्रोल पैनल के वायरलेस सेक्शन में दिए गए डायरेक्ट बटन को 4 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, जिससे प्रिंटर की ग्रीन लाइट और डिस्प्ले में वायरलेस आइकन फ्लैश होने लगेगा। इसके बाद वापस मोबाइल में खुली हुई कैनन प्रिंटर इंकजेट सेल्फी ऐप में जाएं और वहां पे कंफर्म दैट यू हैव प्रेस्ड द बटन फॉर 3 सेकंड्स के चेकबॉक्स को क्लिक करें, फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें। अगली स्क्रीन में आपको सर्च का बटन दबाना है, जिससे जो कैनन की ऐप है वो आपके प्रिंटर को दोबारा सर्च करेगी। अगर इस बार भी ऐप आपके प्रिंटर को डिटेक्ट नहीं कर पाती है तो ऐसे में आपको ऐप को क्लोज करना पड़ेगा और प्रिंटर को भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। प्रिंटर को रिस्टार्ट करके उसमें वायरलेस सेक्शन में डायरेक्ट का बटन 4 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करें और ऐप को भी दोबारा ओपन करें। स्क्रीन के बॉटम में ऐड प्रिंटर के बटन को प्रेस करें। अगली स्क्रीन में अगर आपके प्रिंटर का नाम आता है तो सेटअप करने के लिए ओके को प्रेस करें। अगली स्क्रीन में नेक्स्ट प्रेस कीजिए और फिर जो पॉपअप आएगा डिवाइस टू यूज विद प्रिंट का, उसमें कनेक्ट को प्रेस कीजिए। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल शो हुआ है तो आपका प्रिंटर ऐप से कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट स्क्रीन में वायरलेस राउटर सिलेक्ट करें, जिससे आपका मोबाइल कनेक्टेड है और जिससे प्रिंटर को भी कनेक्ट करना है। एंटर पासवर्ड में वायरलेस राउटर का पासवर्ड डालें। अगर पासवर्ड सही होगा तो आपका कैनन G3010 प्रिंटर वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उस वायरलेस राउटर से कनेक्टेड सारे लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप प्रिंटर को यूज़ करके आप स्कैन, फोटोकॉपी और प्रिंट कर सकेंगे। अगर प्रिंटर कनेक्ट अभी भी नहीं हुआ है तो दोबारा ट्राई कीजिए। पहली बार में ना हो तो दूसरी तीसरी बार में हो ही जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके हमें बताएं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ताकि आगे हम लोग जो भी वीडियो इस चैनल पे डालें आपको सबका नोटिफिकेशन मिले।